बुंदेली चुगले सिंजीरा जो हम खड़े हैं उमा मिस्त्री की तलैया दमो में 17 तारीख के चुनाव है, उपचुनाव विधानसभा को। कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधो सीधो मुकाबला है। और इस बार हम आज दिनभर से घूम रहे थे, पता चलो है कि टिकाऊ बिकाऊ दो मुद्दा रह गए हैं। को कह रहा बाहरी, को कह रहा स्थानीय, को कह रहा टिकाऊ, को कह रहा बिकाऊ, इके लेके पूरी बातें हो रही। दमो के मतदाता को मिजाज का है आदमी हमें समझ नहीं पा रहा। मतदाता ने चुप्पी सा दी है। अब वे केवल इतने के ले रहे कि बिकाऊ नहीं चाहे, हमें टिकाऊ चाहे। वो कह रहा बाहरी नहीं चाहे, स्थानीय चाहे। ये दो मुद्दा ले दो के है। भाजपा ने तो वह मेडिकल कॉलेज को मुद्दा बनाओ है और मेडिकल कॉलेज को मुद्दा इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पा रहा। भले ही मुख्यमंत्री इतने पे आके भूमि पूजन कर गए तहसील ग्राउंड में, लेकिन उसके बाद ही इतने कि मतदाता पे कौन असर हो तो नहीं दिखाई दे रहा। जो भाई साहब हैं गाड़ी सुधार रहे, इनसे हम जरूर पूछें दादा चुनाव इस बार को है कछु नहीं बोल रहे। इस बार का चुनाव को लेकर ये कह रहे हमें कछु नहीं बोल रहे, हमें तो जो करने 17 तारीख के करने। और जो भैया क्या नाम है अपनो है? सुनील अखबार। सुनील भैया जो हैं, और इस बार दमो को चुनाव आ गए, 15 महीने पहले वोट डाले थे अपन ने, अब फिर से वोट की बारी आ गई। और ये चुनाव भाई है टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा है, क्या अंदाज है चुनाव में अब क्या होने वाला है? सर जैसे नेता लोग रोटी बन्ना का खेल खेल रहे हैं, ऐसे ही इस बार दमो की जनता के लिए भी रोटी बन्ना का खेल खेलने मिला है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जनता फैसला करे तो तय है आपका? जनता बिल्कुल फैसला करेगी। हाँ बिल्कुल फैसला करेगी इस बार। इनको क्या वो है कि जनता अब नेतन की भाषा में उनको जवाब दे है, खास जो हिसाब से नेता के लिए कह रहे बिल्कुल गए हैं, खास जैसे जे गिल्ली डंडा खेलत कर रहे थे, चूहा बिल्ली को खेल खेल रहे थे, अब बोले वही खेल जनता के हम लोग भी खेलेंगे, वही खेल हम लोग भी खेलेंगे, हमें भी मौका मिलो बोले हम भी खेले जाए। एक बड़ी बात है, खेले वाले भाई साहब भी खड़े हैं, इनसे जरूर पूछे, बहुत शांत है इनको जरूर, लेकिन जो हम जरूर पूछे कि युवा को चुनाव हो रहा हूँ क्या माहौल है शहर को, कैसे आदमी इनके चुनबे के लाने आदमी मन बना लो? आदमी जा कह रहे हैं कि हमें दूसरी पार्टियों में वोट देने हैं, न बीजेपी में न कांग्रेस में। अगर टिकाऊ बिकाऊ को खेला तो जो खत्म हो रहा हो। और कुछ मुद्दा है का समस्या दमो की का कैसी है? महंगाई है और का महंगाई है, पानी आने की समस्या हल हो गई? पानी की तो हल हो गई, हल हो गई पानी। अब महंगाई बड़ी मुद्दा है कि महंगाई लगातार हो रहा। कितने साल से भाजपा की सरकार प्रदेश में जैसे मंत्री रहे, कितना विकास हुआ दमो को? दमो को विकास तो बहुत भाव है, लेकिन यही है कि महंगाई नहीं रुक रही। पिछले बार के चुनाव में जो परिवर्तन हुआ तो बदलाव लिया हो तो क्या, बहुत साल से मलैया जी हते वो हटा के तो नौ आज ही लिया ने ऊके लिया भी क्या भाव का छल कैसे होगा जो? अरे मलैया जी होते तो कछु और बात आती। हाँ। मलैया जी नहीं है सो अब ऐसा ही है काम। अच्छा, इनको क्या मलैया जी नहीं है तो अब काम ऐसे ही होगा। ये भैया है जो बहुत देर से निकल रहे थे, भैया काहे वगैरह युवा तो को शांत है, परेशान है, हैरान भी है कि हम अपनी बात रखे तो रखे कैसे, कैसे आदि मूड में है कि हमें जवाब देने और हर हाल में देने। बुंदेली की चिकुल की टीम सबसे मिजाज ले रही, आ भैया तुम बताओ बोलो कछु का, बोले वाले भी आ रहे भैया कैसे, हम चाह रहे हर आदमी को, हर वर्ग को, महिला को, पुरुष को, हर आदमी के एक दूसरे को रुझान मिले, ताकि 17 आने वाली 17 तारीख के मतदान के पहले आदमी इनके एक मौका मिले ये बात के लेके के कैसू न कैसू हम यही पक्ष में वोट डालेंगे जो दमो के हित के लाने चीज हुई है। त्रिवेदी जी से हम बात करें, हमारे साथी हमारे संग छतरपुर से आए हैं। त्रिवेदी जी आओ थोड़ी सी अपन बतकाव कर ले थोड़ी, बाकी अपन जनता को मिजाज जाने। आज अपन ने बहुत माहौल से तो को देखो दमो को काम मिजाज समझ में आ रहा हो कहते कि जनता को मिजाज कौन तरफ है? हमें तो जो लग रहा हो कहते मिलाऊ खिचड़ी पक रही है, कौन क्लियर हो नहीं रहो, जनता डरा रही, जनता दबी है, जनता मन में बैठाए हैं कि हमें वोट जीखा देने वो तो देने ही, लेकिन अगर खुल के मीडिया से बात कर रही तो जनता डरा रही कि हम बदनाम ना होए, हम खुल के सामने ना आए। नहीं कछु जन ने बकौली चुरा भी बिल्कुल खुल के बोलो, हमें जो लग रहा हो अगर जनता की चुप्पी हो तो हमें लगा सत्ताधारी पार्टी के लाने बड़ो खतरनाक स्थिति हो सका जो महसूस हो सका। जो बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है कि जैसो भाव है जैसो, अबे जनता जो नारा लगा रही कि बिकाऊ और टिकाऊ, तो जनता को है टिकाऊ जाने बिकाऊ नहीं जाने, तो इनमें भाजपा के लाने जरूर जो खतरे की घंटी है, भाजपा को बहुत मेहनत करने पड़े, बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़े, तब कहूँ जो बेड़ा पार लगत देख रहा हूँ। ऐसा हमें भी लग रहा हो कि अगर यही माहौल रहो तो कांग्रेस की को लाभ ही मिल सकत। और जैसे कि जो बताया जा रहा है कि मलैया जी के कोरोना को लक्षण डर और भय जो भी हो घरे बैठ गए, अगर मलैया जी घरे बैठ गए तो इनको प्रभाव ही हमें लगा था कि मतदान में और सियासत में पड़ सका था। बिल्कुल पड़ सकत हो भी सकत के का मलैया जी का कोरोना ना हो, अंदरूनी कोरोना हो गए, पार्टी को कोरोना हो गया हो कि हमें जिताओने के हराने जो, तो नेतागिरी की बातें हैं नेता ही जान सकत, बाकी एक मीडिया के नाते जो अंदाजा लगाऊ थे जो जनता पब्लिक को रुझान आ रहा हो, पब्लिक ये सब बोल रही
कि हमें तो ऐसो करने, हमें तो ऐसो करने, तो हो सकत के काउ स्थिति भाजपा के लाने। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो है भाजपा के लाने कि भाजपा का बार बार एक एक कदम फूंक कर रखने पर है कहे मतदाता इस बार तितर बितर होगा पूरा, को की समझ भी नहीं आ रहा को की को बेड़ा पार हो की नाव मझधार में डूब रही। संकेत खतरनाक है सियासी दल के लाने एड़ी चोटी को जोर लगावे लगे हैं। प्रदेश भर के नेता मंत्री से लेकर मिनिस्टर बड़े बड़े जो खलीक माने हैं सबके सब दमों में डेरा डालें, ऐसे के पूरे होटल भरे हैं सब चीज़ें हैं। इनसे जरूर पूछे TVS चैंप से दादा आए हैं, बिल्कुल रोक लो गाड़ी, बिल्कुल रफ्तार के संगे नहीं बोल रहे, और ये चुप्पी खतरनाक साबित हो सका हमें लगा थे के जा आगे के लाने खतरनाक हो सका। दादा जरूर कछु बोले, चुनाव हो रहे हैं नहीं बोल रहे करने हैं, ये कह रहे 70 तारीख के ठोक रहे हैं हमें बोल रहे नहीं है। और दमो की जनता को यही वजह मिजाज है कि बोलत नहीं है। पिछले चुनाव में भी जो परिणाम आए थे इतने साल से मलैया जी के जिताते रहे, और एक ऐसी लहर बनी कि पिछले चुनाव में आदमी ने कांग्रेस से विश्वास जताओ तो प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी, लेकिन सरकार बनी बदल गई। एक बार आदमी के जो भरोसा ना हो तो ऐसा भी हो सकता का कि फिर से एक बार दमोह के 15 महीना के बाद चुनाव की दहलीज पे जाने हैं और जनता के बीच में नेतन के जाने हैं और जनता का फिर मतदान करने हैं, यह बड़ी बात है। आप कुछ बोलो का चुनाव का लेके, क्या नाम है दादा, नाम बता दो, आओ बताओ नाम बताओ ना अपने। हम कह रहे दहशत में उमा मिस्त्री की तलैया को क्षेत्र जो पूरा है जहाँ पे आदमी सुन तो रहे बात, नेतन के भी सुन रहे हैं, शिकायत है आपस में भत्काव कर रहे हैं लेकिन बोल भी उससे कतरा रहे, कैसे उन्हें पता है क्या हमें जो करने हैं बोलने नहीं आगे बोल रहा तो हो सकत नेता उनकी टीम उनके पिछलग्गू अगलग्गू सब हमारे आगे पीछे आगे, और हो सकत हमें ही बात के लेकर मजबूर करें कि भाई अपना भाव बदल दो, पार्टी के पक्ष में मतदान करो, ये सब तमाम बातें हो सकती हैं। तो हम ऐसे आदमी की तलाश करें जो बोल रहे हैं त्रिवेदी जी, अबे अपन के भाषा चल रहे हैं, भाषा के मिजाज ही कछु अलग हैं, भाषा के लेके भी अबे जो औरतों के होते के आदमी मतदान को बहिष्कार कर रहे हैं, अगर मतदान को बहिष्कार होते तो इसे नुकसान किए हुई है। जो तो जाहिर सी बात है कि जो मतदान को बहिष्कार कर रहे हो तो वो परेशानी के कारण कर रही जनता, बिल्कुल कि जनता परेशान है तो मतदान को बहिष्कार हो रहा। अब इनको सबसे ज़्यादा नुकसान तो होने खामियाजा होने की है जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी के लाने ज़्यादा खतरनाक स्थिति बन सकत, वही चुनाव को माहौल जो जनता नहीं बोल रही, जनता की गलती नहीं है, जनता सहमी है, जनता का खुद समझ में नहीं आ रहा को जो मचो का है जो होका को बीच को बीच के 15 महीना पहले वोट डाले अब फिर से हमें वोट डालने, तो इस बार जनता की स्थिति हमारी समझ से नहीं आ पा रहा जनता की समझ में कि हमें क्या करने का नहीं करने, वे तो विचार बना के बैठ गए, वे तो सीधे सोच गए कि हमें वोट ठीका देने लेकिन जाहिर नहीं कर वो चाहत। बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर जाती जाहिर नहीं कर रहा हो, अगर जाहिर नहीं कर रहा हो या चुप्पी है तो कहूँ ना कहूँ भाजपा संगठन के लाने खतरनाक स्थिति पैदा कर सका। बहुत सारे लोग हैं जो हैं जिन्हें साहस करके आए कि हमें बोल रहे हैं, खजरी दमो लोकसभा क्षेत्र को गांव है, दमो तो विधानसभा को है, खजरी में क्या स्थिति है अब चुनाव को लेकर, क्या नाम है अपना? देवीलाल साहब। देवीलाल 15 साल भाजपा की सरकार रही, बड़े बड़े नेता मंत्री तसर है, काम मिलो तुम्हें होते सर? हमें तो आज लो सोचा ले लो नहीं बनूंगा, तो लोटा लेके मैदान भी जा रहा है ज्यादा सर भैया, लोटा लेके मैदान भी जा रहा है, काय की समग्र स्वच्छता इतना खबत है हमारा, इतने धस जा मिट्टी में, रोड नहीं है, रोड नहीं है, शौचालय मिलो नहीं है, बड़ी दशा कुल मिला के जाए। अब चुनाव में नेता पहुँच रहे कि नहीं वोट मांग रहे? जाते हैं तो गाँव से लौट आओ, गाँव वाले कछु मदद नहीं कर रहे, वो नहीं करवा रहा हूँ, ये कह रहा हमारे गाँव में आओ तो लौट आओ, घर वाले केवारे नहीं खोल, धकिया धकिया के भगा रहे नेता के जा दशा है, वोट दे 15 महीने पहले दाओ तो का वोट जब तो दाओ तो जिए दाओ तो बिक गाओ के वो पार्टी में बिक गए सब, अब वो फिर से आप दूसरी पार्टी से आपका क्या आप बता जे को हुआ हमने से आ जाए हमारा तो डालने 17 के निपट ले, वोट डाल, वोट जरूर डाली, जो नहीं करने चाहे जिए दे लेके वोट, नोटा को साल की उम्र हो गई अबे तक शौचालय तक नहीं बने यहाँ तो का फायदा है ऐसी वोट डाले से, तो दर्जन को जाए जे के 50 साल हो गए भैया, 30 साल उम्र 50 साल की हो गई इनकी, और वे शौचालय ने नसीब हो, कुटीर मिली का राशन कार्ड को राशन भर बनो है, राशन कार्ड भरो से तो बनी जात नगर पंचायत से ग्राम पंचायत से बन जात, लेकिन इन्हें आज तक ना शौचालय कुटीर को लाभ नहीं मिलो, जो दर्द है जो इनको नहीं है, जो सो हर गांव के आदमी को दर्द है, और समस्या यही है हर चुनाव में जो मुद्दा होते हैं खड़े होते वादा कस्मा पाँव हाथ जोड़वो और चुनाव जीते के बाद गायब हो जाते, 15 महीने तुम्हारे क्षेत्र को विधायक तुम्हारे कितने रहो विधायक जब तक पार्टी नहीं बदली, कितने बार तुम्हारे गाँव पहुँचो ये नहीं आए, फिर चुनाव के बाद एक वो नहीं है, एक बार चुनाव के बाद राहुल लोधी ने शकल नहीं दिखाई, मेला में भर आए थे बस, मेला में आए तो उनको झमेला करके चले गए और बेक के चले गए, जैसी स्थिति है कुल मिला के मिजाज दमों को जो है कि जनता देखो हम चाहो तो दिखा सकत खड़ी है, बात से सहमत है, मुड़ियाँ भी हिल रही सबकी मुंडी हिल रही, लेकिन आदमी
को हिम्मत कर रहे हो बोल क्या रहो को नहीं भी बोल रहा हूँ, कुल मिला के दमोह को सियासी मिजाज जो बता रहा हूँ कि अबे भाजपा के लिए मुश्किलें हैं, मुश्किल की घड़ी लगातार बढ़त जा रही। अगर ये 17 तारीख तक भाजपा ने जो डैमेज कंट्रोल नहीं करो तो 2 तारीख के चुनाव परिणाम घातक विध्वंसक हो सका। तो मध्य प्रदेश के इतिहास से जहाँ बात लिखी जाए कि सत्ताधारी दल कौन उपचुनाव में चुनाव हारो है। फिलहाल अभी हम लगातार नब्ज टटोल रहे मतदाता की और अब बासा गांव पहुंच गए, उतर को भी रुझान ले हैं। तब तक के बुंदेली चिकुली टीम और दमोह से राजीव प्रिंस के संग हमें नीरज।